हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं मम्मी के घर पर आ चुकी हूँ। मम्मी बना रही हैं राइस लंच में। कौन से राइस बना रही हैं आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। कुकर में तेल डाला, फिर उसके बाद जीरा प्याज और अभी हींग डाल दी। तीनों चीज़ें अच्छे से हो गई तो इसमें डाल दिया है टमाटर। टमाटर ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो, टेस्ट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमको अच्छा लगता है टमाटर, ना खट्टा खट्टा सा एक टेस्ट आ जाता है तो हम इसलिए डालते हैं। उसके बाद बेसिक मसाले जैसे कि नमक, हल्दी और लाल मिर्च इसमें डाल दी है, अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा जो मसाला है अच्छे से पक जाए, टमाटर गल जाए। मिला दिया सब चीज़ों को। अब इसको थोड़ी देर के लिए जो है ढककर पकाएंगे। ढककर पकाने से आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, टाइम की बचत होती है और खाना भी जल्दी से कुक हो जाता है। ये देखो साइड में मम्मी ने जो है चावल और दाल को अच्छे से धोकर भिगो रखा है। दाल है लाल मसूर की। मसाला हमारा हो चुका था, फिर हमने जो अपनी दाल चावल को भिगो रखा था वो इसमें ऐड कर दिया है। मिक्स करने के बाद इसमें पानी भी ऐड करेंगे जितनी ज़रूरत है। जैसे कि कई लोग करते हैं ना, नाप के डालते हैं इतना चावल तो इतना पानी, हम अंदाजे से डालते हैं और अंदाज़ा हमेशा हर बार परफेक्ट होता है। तो कुकर का ढक्कन लगा देंगे और एक सीटी आने तक जो है अपने चावलों को पका लेंगे। तो मम्मी यहाँ पर चटनी की तैयारी कर रही हैं। चटनी की तैयारी कैसे करती हैं मम्मी? गाने चला के, मतलब चटनी की क्या, खाना भी मतलब गाने चला के मम्मी जो है बनाती हैं। तो ये तैयारी हो चुकी है। धनिया, पुदीना, लाल मिर्च नहीं हरी मिर्च, टमाटर और थोड़ा सा लहसुन की कली, ये सब तैयारी मम्मी ने चटनी की कर ली है। और सब चीज़ें जो है इसमें जार में डाल देंगी। पुदीना जो है हमारे गार्डन में लगा हुआ है ताज़ा ताज़ा, धनिया भी गार्डन में ही लगा हुआ है ताज़ा, मिर्चें भी लग रही है, बस टमाटर जो है हमारा मार्केट का है। तो सब चीज़ें इसमें मिला दी है मम्मी ने। अब इसमें क्या करेंगे, मसाले ऐड करेंगे। मसाले, नमक, वही सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं हम पापा के बाद से, पापा के टाइम से ही समझ लो। उसके बाद थोड़ा सा इसमें जीरा डाला है, नमक कम लग रहा था मम्मी ने तो मम्मी ने कहा चलो और डालते हैं। थोड़ा सा इसमें काला नमक भी ऐड करा है मम्मी ने। और अभी इसमें डाल रही है मम्मी अमचूर पाउडर और इसको अच्छे से पीस देंगे, मिक्सी में घुमा देंगे तो हमारी जो चटनी है वो बन के तैयार हो जाएगी। और हमारे चावलों में भी एक सीटी लग चुकी है और हमारी चटनी जो है वो भी बनकर तैयार है। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ, मुँह में पानी आ गया, किस किस के आया ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। और ये देखो दिया मैडम क्या कर रही हैं, कमरे में आई ना मैं शूट करने के बाद तो देखा ये टेंट हाउस बनाकर लेटी हुई है चेयर के नीचे। ये डेली अपनी नानी के घर ऐसी करती है, इसका रोज का काम है। मामा से डांट भी पड़ती है क्योंकि नीचे लेटती है ना फर्श पे, ठंड लगने का डर रहता है तो मामा से थोड़ी सी डांट भी पड़ती है। बट इस टाइम मामा नहीं है ना तो फिर स्टिल लेट गई। हम लोग भी मना करते हैं बट इसको पता नहीं क्या मज़ा आता है, सब बच्चे ऐसे करते हैं, इसको क्या सब बच्चों को मज़ा आता होगा ऐसे। किस किस के बच्चे करते हैं ऐसे कॉमेंट करके बताइएगा मुझे ज़रूर। देखो पूरा फैला के लेटी हुई है और प्रेशर आउट हो चुका था कुकर का, तो किचन में आ गए हैं, कुकर खोल लिया और राइस हमारे बनकर तैयार है। ये वाले जो राइस है ना ये मिनी मोगरा की किनकी है, बहुत टेस्टी लगती है, मीठा मीठा सा लगता है चावल। और ये चावल जो है ना तो ज़्यादा खिले होते हैं ना ज़्यादा बिल्कुल घुले हुए होते हैं, खिचड़ी भी नहीं कह सकते इसको आप, लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार आप ट्राई करना लाल मसूर की दाल के चावल। इसके साथ चटनी है देख ही लिया आप लोगों ने, और साथ में जो है मम्मी ने मट्ठा भी जो है तैयार कर लिया है छौंक लगा के। गर्मी आ गया है तो अब मट्ठा या फिर दही लोग रोज़ जो है खाया ही करेंगे, पिया ही करेंगे। और चावल तो दोपहर में सब लोगों के घर में बनते ही बनते होंगे, कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे चावल नहीं बनते होंगे। मेरी जो मामी जी है ना उनके यहाँ तो डेली रात को भी बनते हैं क्योंकि रात को ही सब लोग ऑफिस से आते हैं ना, तो बच्चे सारे रात को ही होते हैं। तो तैयार है हमारा खाना, आप लोग भी खा लीजिए, मैं मट्ठा नहीं पीती। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ मम्मी के घर से अपने घर पर और आती मैंने किचन को देखो कितना ज़्यादा फैला लिया है। इतनी बुरी हालत मेरी किचन की आप लोगों ने पहले नहीं देखी होगी, बट कोई नहीं, राशन जब भरते हैं तो सबकी किचन का यही हाल होता है, आपका भी होता है ना? होता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैं राशन भर रही हूँ, उस दिन मैंने आपको राशन दिखाया था और बोला भी था कि मैं राशन जो है भर दूंगी, संभाल के रख दूंगी। तो कुछ सामान जैसे कि तेल का पैकेट वगैरह हो गया, नमकीन, पापड़ वगैरह, वो तो सब मैंने उठा के रख दिया है एक बड़े से कंटेनर में। बट ये चीज़ें बच रही हैं जैसे कि दाल हो गई, मसाले हो गए, ये मैंने इसलिए बचा दिए क्योंकि डब्बे मैंने उसी दिन धोए फिर सुखाए और डब्बों में से जो थोड़ी थोड़ी दाल बची थी वो भी भर दी थी। बट नया राशन जो है आज भरूंगी और डांस कर रही हूँ दिया के संग, थोड़ी सी मस्ती करते करते मैं सारे काम करती हूँ। दालें वगैरह जो है भरने के लिए मेरे पास सारे डब्बे थे, मतलब जितने भी मैंने ऊपर लगा रखे हैं ना वो 18 पीसेज है, अमेजोन से मंगाए थे, उसमें सारी दालें वगैरह आ गई थी, मसाले आ गए थे। बट कुछ सामान जैसे एक्स्ट्रा होता है ना, मैदा हो गया, बेसन हो गया, सूजी हो गई, अजवाइन हो गई और भी छुटपुट मसाले होते
करते हैं, सोयाबीन की वड़ी हो गई, मूंग की दाल की वड़ी हो गई, तो इसके लिए मेरे पास अलग से डब्बे नहीं थे। ये पुड़िया पुड़िया सी बना के या पन्नी पन्नी में करके ना मुझको कंटेनर में रखने पड़ते थे। फिर इन ये बनाते टाइम मुझे चीज़ें दिखती नहीं थी तो कई बार तो ख़राब भी हो जाती थी। बट ये डब्बे मैंने नए लिए हैं विशाल मेगा मार्ट से। थोड़े दिन पहले मैं गई थी तो वहाँ से ये 12 का सेट लेकर आई थी। सेम टू सेम डब्बे जो मेरी किचन में लग रहे हैं ना वैसे मिल गए थे, तो मैं ले आई थी। 200 रुपये के पड़े थे मुझको, तो बहुत अच्छे हैं। आप लोग भी अगर विशाल में कमट जाओ, आपको ऐसे डब्बे मिले तो ज़रूर लेना। 400 रुपये में जो है आपके 24 डब्बे आ जाएंगे, बल्कि फ़ायदा रहेगा आप लोगों को। तो सारे डब्बे मैंने भर दिए हैं और देखो किचन मेरी कितनी कितनी सुंदर लग रही है ना, बहुत सुंदर लग रही है मुझको। 3 से 4 डब्बे मेरे अभी भी बच रहे हैं। मेरे को अभी तो याद नहीं आ रहा कि उसमें क्या फिल करूं, बट जैसे ही याद आएगा या जैसे ही कोई चीज़ नज़र आएगी एक्स्ट्रा भरने वाली तो मैं उसमें भर दूंगी। मुझे ऐसा ऐसा सामान लेना बहुत पसंद है किचन का, चाहे अपना हो चाहे किसी और का हो। अभी मैंने अपनी बड़ी मम्मी के लिए कुछ सामान ऑर्डर करे हैं उनकी किचन के लिए। उनकी किचन बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, मेरी किचन से भी सुंदर है। मैं शेयर करूंगी जब भी आएंगे वो प्रोडक्ट उनकी किचन में लगाते हुए दिखाते हुए। और देखो किचन चेक करने कौन आया है कि मैंने सही काम करा है या नहीं करा। हमारी दिया मैडम आई है और वो पूरी किचन को अच्छे से देख रही है। बना रहे हैं चिप्स, देख ही लिया आप लोगों ने, सडन प्लान बन गया हमारा। आलू हमने 3-4 दिन से लेके रखे हुए हैं, बट धूप ना तीखी वाली नहीं निकल रही थी, आज निकल रही है, तो हमने कहा चलो 2-3 घंटे में सूख ही जाएंगे, बाकी कल भी धूप लग जाएगी तो अच्छे से हमारे जो चिप्स है वो तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा ही बना रहे हैं। कितने आलू हैं? 5 किलो हैं शायद। 5 किलो आलू के ना एक बारी में अच्छे से हो जाते हैं। पहले हम लोग बनाते थे खूब खूब सारे क्योंकि घर में मेंबर बहुत ज़्यादा होते थे, बट अभी ये है मैं थोड़े से इसलिए बना रही हूँ व्रत की वजह से। दिखाइए ये वाला आलू कैसा है।
अच्छा, मैंने सोचा वो लाल लाल से निशान होते हैं ना, खराब जो हो ना आलू वो निकाल दियो, बाकी फिर और भी खराब हो जाते हैं। तो मैं व्रत की वजह से बना रही हूँ ताकि नवरात्र में ये खाया जाए। सेंधा नमक वाले ही बनाएंगे हम लोग। कितने लोगों ने चिप्स बना लिए मुझे कमेंट करके बताना। काफी सारे लोगों ने तो बना लिए, मैंने देखा था यूट्यूब चैनल पे, मेरी जितनी भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उन्होंने बना लिए हैं। मेरे को बनाना नहीं था पापा की वजह से, इस बार होली सेलिब्रेट नहीं होगी, बट तो ये मैं नवरात्रि की वजह से बना रही हूँ। इसी टाइम ये वाला आलू आता है, फिर बाद में तो होली निकल जाती है ना, तो फिर वो बात नहीं आती कि बनाने हैं या कुछ करने हैं। अब भी बन जाएंगे, होली से पहले तो बन जाएंगे, वरना नहीं बन पाएंगे। और बच्चों का बड़ा शौक चढ़ता है कि हमें घिसना है, हमें आलू छीलने हैं, तो बस नंबर लगा रखे हैं, कभी कोई कर रहा है कभी कोई कर रहा है। अभी तो कशिश कर रही है, राखी गई हुई है पेपर देने अपना, उसका लास्ट पेपर है क्या? नहीं अभी है ना, कल है बस। कल कल नहीं है, कल की छुट्टी है, कल की छुट्टी है। फिर कब है आज? क्या 20 तारीख है? 19 है, 19 है आज। मेरे को तो डेट भी याद नहीं रहती, स्कूल नहीं खुल रहे ना बच्चों के, तो डेट वगैरह याद नहीं रहती, फ़ोन में देखते रहते हैं फिर भी याद नहीं रहती है। तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, बच्चों का खासतौर पर ध्यान रखना, ठीक है ना। और चिप्स पापड़ बनाते रहना, अगर जो जो बना चुका है वो मुझे कमेंट करो, जिस जिसने नहीं बनाया वो मुझे देख के बनाना शुरू कर दो।